अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों ये पानी देख रहे हैं आप, ये खड़ा हुआ है जो ये अभी बारिश होके हटी है। आप लोग कहेंगे नहीं बारिश नहीं हुई, ये बातें कर रहे हैं, ये बातें नहीं कर रहे हैं। देख लो अभी भी तनकीद छा शुरू हो गई मेरी पोस्ट के नीचे, क्या बातें कर रहे हो पीछे ना भीड़ आगे चले जाए हमारे ऊपर। तो दोस्तों ये बात कहना चाहता हूँ, एमजीना रोड पर ज़्यादा बारिश हुई है। अब ये दो गलियाँ दूसरी जो पीछे हैं एमजीना रोड सकपर रोड की जाने, उधर बारिश नहीं हुई। और जो अंदर जैसे मिड में गली है उधर हल्की बारिश हुई है, बल्कि ज़्यादा तेज़ नहीं, एकदम छिड़काव हुआ है। अब जैसे पानी खड़ा हुआ इधर, ऐसे लगता है जैसे इधर ज़्यादा बारिश हुई है एमजीना रोड पे, क्योंकि पानी से अंदाजा हो रहा है। मैं भी अभी निकला हूँ भाई, तो बारिश हुई थी तो हल्की हल्की हमारे हुई, एकदम छिड़काव लगा है बारिश का। तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता कि दोस्तों को अपडेट कर सकें। और आपके एरिया में कैसा पोजीशन है, उधर क्या बारिश हो रही है या नहीं हो रही, आप कमेंट करें बताएँ कि उधर क्या पोजीशन है। जी आहद आप बताएँ, आपको क्या लगता है उधर, आप बता रहे हैं कि उधर बारिश नहीं हो रही। अकबर रोड की तरफ से जा रहा था कब्रिस्तान की तरफ, तो उस साइड पे बारिश नहीं हो रही थी, बिल्कुल नहीं हो रही थी, बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ जी, तो इधर मैं आके देख रहा हूँ माशाल्लाह पानी इतना खड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है बारिश सारी यहाँ ही हुई है। अब तो मैं ना आज सो गया था थोड़ा टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा हबस हुई थी, गर्मी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है, उसका फजल है, करम है कि बारिश बरस गई। और अल्लाह करे ठंडी हवा चले, नहीं तो रात टाइम भी जो बारिश हुई है उस पर भी हल्की हल्की साथ हबस भी थी, साथ हबस वाली बारिश हुई थी। मसलन के एक होता ना बारिश हो, खुशगवार मौसम हो, जब तक खुशगवार नहीं हुआ उसके बाद, मगर अब थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी सी जैसे कि हवा में आप देख सकते हैं तेज़ हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो साथ फील होता है खुशगवारियत मौसम की। तो कुछ लोग कहते हैं जी भाई तुम पोस्ट लाते हो ना कितने बारिश के उत्ते, तो उसके उत्ते असी लोग ताड़े से तनकीद करते हैं जी, और तो ताड़ी हर गल ही चंगी होंगी है यार। हम आप मुकाम भी मान रहे हो, तस्लीम भी कर रहे हो हमारे मुकाम को, और जलते भी हो। ये वैसे अखीर किस्म के और अजीब किस्म की मखलूक हैं जो तस्लीम भी करते हैं आपको और जेलसी भी करते हैं आपसे। तो यार हमें किसी को क्यों दिखाना, हमें किसी को क्यों बताना कि हम किस मुकाम पे स्टैंड है या हम क्या कर रहे हैं। हमें किसी से नंबर नहीं टांगने, हमें किसी से नंबर नहीं लेने, हमें अपनी मेहनत करनी है, हमें अपनी अपडेट देनी है, हमें जो अपडेट देनी है वो सच्ची देनी है, हमें किसी से कुछ लेना नहीं है। तो क्यों कोई ये चीज़ समझ बैठता है कि जैसे हमें किसी से कुछ हासिल करना हो। यार हमने किसी से कोई नंबर नहीं लेने। तो खुदारा जो आप अपनी कापी पेंसिल लेकर अरस्तु उस रात बैठे हुए ना फेसबुक के ऊपर, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप वो कापी पेंसिल अपने पास ही रखें, उस नंबरों की हमें कोई फ़ायदा नहीं है, और ना वो आप हमें नंबर दें और ना हमें उस नंबर का कोई फ़ायदा है, और ना हम आपसे वो नंबर मांग रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है, बस खामोश रहें और देखें, वीडियोज़ देखें, वीडियोज़ आती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी, और आप क्या ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे। और बाकी आपको ये देखें, अभी इधर बारिश हो रही है, अब ये इस एरिए में कुछ लोगों की ना आदत होती है, जैसे वो कह देते हैं जी कि जनाब आप तो ऐसे ही लगा देते हो, बारिश तो होती नहीं है, आप तो इस तरह ही लगा देते हो। अब ये आपके सामने है, अकल गंदे लोग हैं वो जो ऐसी बातें करते हैं। अगर आपके एरिए में नहीं हो रही भाई, हम जिधर से लगा रहे हैं उधर हो रही है बारिश, तो ऐसी फजूल बातें, वाहियात बातें आप ना किया करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी फजूल बातें करने का। बाकी ये मनाजिर आप देख सकते हैं कितने, मैं इस रोड को कहता हूँ ये उकाड़ा का बहुत खूबसूरत रोड है, क्योंकि इधर कचरा नहीं होता। ये राव सिकंदर इकबाल रोड का सर्विस रोड है, और इसका एक अपना ही एक नज़ारा है, दिलकश नज़ारे हैं इधर के। ये इधर आप दरख्त देख सकते हैं, कितना खूबसूरत रोड लगता है, और दरख्तों की छाँव देखें आप, उस छाँव के मध्य में ये बहुत खूबसूरती झलकती है इसकी। और ये आपके सामने नज़ारा आप देख सकते हैं, तस्वीर में ऐसे लगता है बाहर का रोड है ना, जैसे किसी बाहर की कंट्री का रोड है। तो दोस्तों शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और सलमान अली और कैमरा मैन आहद से इजाज़त चाहते हैं अपना उकाड़ा से। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में बात होगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।